जो लोग बोता कह दिया वहाँ पर सीढ़ी लटका दे लेके आता सीढ़ी लगाई है ना तो पकड़ा आराम से आराम खिड़की में लगवा है ना उसको पकड़ है कहाँ पे था हमको बताइए तो यहाँ पे है यहाँ पे एक भी गलती होगा ये भाग जाएगा सुब पकड़ भाई Thank you.
तुम देखा भी वीडियो में, ये खपड़े की जो मकान है उसमें क्या ये चूहे के इंतजार में बैठा हुआ था, और इतना बड़ा सांप देखने के बाद क्या घर वाले हद जाते हैं, डर सजाते हैं। तो हम इस सांप के बारे में बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये एक रैट स्नेक है जिसे हम लोग हिंदी में धामन सांप कहते हैं, और ये चूहा खाना पसंद बहुत ज़्यादा करता है, और ये खेतों में रहना पसंद करते हैं, और इसमें किसी तरह कोई जहर नहीं पाया जाता है, बिल्कुल बीचहीन सांप होता है ये। अक्सर क्या बड़ा साइज होने के कारण लोग क्या घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो अभी हम इसके इसका पहचान बताते हैं लोगों को, ताकि बाय चांस अचानक रात में कभी सांप उप निकल जाए घर में तो लोग पहचान सके। तो इसका पूंछ देखिए, ये चैन के माफिक होता है ना, ये चैन के माफिक होता है, और इसका जो मुंह होता है ये शरीर की अपेक्षा छोटा होता है ना, ये जंप करके काटता है, ये जब खतरा महसूस होगा तो ये काटने का प्रयास करता है। तो अभी किसी को कुछ जानना है सांप के बारे में तो पूछ सकते हैं, कौन कौन किए थे आप? तो हालांकि सांप के बारे में पहचानते हैं क्योंकि आप रेड स्नेक बता रहे थे, तो हमें लगा कि चलो कम से कम सांप तो पहचान रहे हैं अपना, अच्छी बात है, बस सांप को पहचानना सीखे। आप ही का वीडियो देख देख के सब्सक्राइबर है आपके, धन्यवाद सब सीखना चाहिए बेटा। हमारा बैग होगा उस गांव से, कई सब्सक्राइबर होंगे आप ही वाले, सौरभ कहां है बैग आपके, आए थे फर्स्ट टाइम आए थे तभी बहुत सारे लोग बन गए। चलिए अच्छी बात है, बस इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम और भी ज्यादा ज्यादा बन प्राणी का सपोर्ट रहेगा। ये कितना भी साइज करना, ये काफी लंबा होता है, अच्छा बहुत, मतलब एक बोले ना एक अच्छा शांत स्वभाव का सांप होता है, लेकिन क्या था घबरा जाने के बाद काटना चालू कर देता है। तो आइए दोस्तों से हम लाइक कर लेते हैं, अच्छी तरह कर लिया, और हम दीदी का धन्यवाद करना चाहेंगे जो कॉल करके हमें बुलाए इस स्नेक का जान बचाने के लिए। तो ऐसे आप लोग हमें कॉल कीजिए, बुलाइए, हम हमेशा आप लोग तैयार है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोबारा फिर से और किसी नए स्नेक के साथ, आपका अपना स्नेक शेयर करने पर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और मास्क का इस्तेमाल कीजिए। कि मैंने इस रेट स्नेक का रेस्क्यू अच्छी तरह कर लिया, और इसे रिलीज करने के लिए भी हम इसके नेचर में यानी कि यहाँ ये अपना जीवन को अच्छी तरह सर्वाइव कर सके, और बगल में क्या पानी वगैरह भी है तो गर्मी काफ़ी है, तो पानी रहने से क्या थोड़ा सुविधा होगी पानी में पीने में, और ये ताकि आप पे हम जंप करेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा।